दूध का दूध पानी का पानी होता है ना, अगर होगा कुछ तो उसमें निकलेगा। भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है। सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर सोमवार को छापेमारी करी। ये छापेमारी नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में की, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 16 लोग नामजद हैं। यह मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री हुआ करते थे। यूपीए 1 के दौरान लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों से रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली थी। पटना के रहने वाले कई लोगों ने अपनी जमीन आरजेडी सुप्रीमो के परिवार या उनकी एक निजी कंपनी जो पटना में स्थित है उसके नाम पर बेची थी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बने रहने के दौरान यानी 2004 से 2009 के बीच रेलवे में भर्ती के लिए विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। नोटिस जब सार्वजनिक रूप से जारी नहीं था, फिर भी पटना के रहने वाले कई सारे लोगों की मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर रेलवे के सभी जोन में नियुक्ति की गई थी। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में पटना में 105,292 फुट जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों ने विक्रेताओं को नगद भुगतान कर अधिकृत की थी। सारी जमीन सर्कल रेट से कम और बाजार दर से कम कीमत पर ली गई थी। इसी मामले को लेकर सोमवार को सीबीआई ने राबड़ी देवी के घर पर छापेमारी करी। इस छापेमारी से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की रैली में कहा था कि जांच एजेंसियां हमारे घर होली खेलने आएंगी। वहीं सोमवार की सुबह राबड़ी देवी आवास पर सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंच गई। हालांकि इस मामले में 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट में पेश भी होना है। इसके लिए पहले ही समन दिया गया है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। उनके बाद रेल मंत्री थे मनोज सिन्हा, आपने तो देखा ही, मतलब टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केस जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। टाइमिंग अब जिसको जो आकलन करना हो करता रहे, जिस दिन ये नई सरकार बनी है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही है। तेजस्वी जी, इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? ये तो बिहार की जनता देख ही रही है कि क्या हो रहा है। सर, आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है पीएम को, क्या असर होगा? अब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है तो असर क्या होगा नहीं होगा तो वही बता पाएंगे, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर के लिखा है और ये प्रधानमंत्री जी को तो। वहीं बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बयान दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रूप से देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होता है ना, अगर होगा कुछ तो उसमें निकलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं निकलेगा, और क्या। कोई केंद्र सरकार का पिट्ठू नहीं होता है, स्वायत्त संस्था है वो, जिस पर भी हमारे ऊपर भी वो काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि। साथ ही सीबीआई की रेड पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का सीबीआई से पुराना नाता है। देखिए, जो जिस रूप में रहेंगे उन पर तो जांच, आज राबड़ी आवास पहले से तो कब से चल रहा है, शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी के कंप्लेन के आधार पर कई केसेज चल रहे हैं, और ये तो केसेज कांग्रेस के समय से चलने वाले केसेज भी हैं। तो सीबीआई से नाता लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं, अब परिवार उस कसिंदे पे कसने को तैयार है। सरकार पर भी आरोप लगाते हैं ये लोग। अरे भैया, आरोप आप हम पर लगा रहे हो, लेकिन घटना आपके यहाँ हो रही है ना, आप गलत करोगे तो सीबीआई से क्यों, आप बाकी लोग क्या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? आपने जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार किया, जो लगातार बिहार में आपने आपके पर लगातार केस मुकदमे रहे, तो हर समय ये विषय आपके ऊपर उठा है। आपने मॉल बनाने का काम आप ही किए, मिट्टी घोटाला आप ही किए, चारा घोटाला आप ही किए, अलकतरा घोटाला आप ही किए, तो जो आपने किया है उसकी करनी का फल तो भोगना पड़ेगा ना। सीबीआई ने इस मामले में साल 2022 के मई में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा नौकरी पाने के बदले कम कीमत में जमीन देने वाले कुछ
अयोग्य उम्मीदवार समेत 16 लोगों पर FIR दर्ज की थी। वहीं 24 अगस्त 2022 को 20 इस मामले को लेकर RJD के कई नेताओं के यहां पर छापेमारी की गई थी। इस मामले को लेकर लगातार लालू परिवार जांच एजेंसियों के निशाने पर आ रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।